सी आई एस एफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल पब्लिक फायरमैन मेल के कैटेगरी के, के लिए है और सी आई एस एफ के अंडर ये भर्तियां होनी है तो इसी की डिटेल लेकर के मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड जैसा कि विज्ञापन के टॉप में भी आप टॉप में ही आपको ये बात पता चल जा रही होगी कि इसके लिए जो एप्लीकेशन के लिंक है वो इकतीस आठ को खुलेगी और तीस नौ तक ये लिंक एक्टिव रहेगी तो इकतीस आठ कहने का मतलब इकतीस अगस्त को आप इसमें आवेदन करना शुरू कर पाएंगे इकतीस सितंबर तक आपके पास मौका होगा इसमें जमा करने का आवेदन जमा करने के लिए तीस सितंबर की रात बारह बजे तक का समय बताया गया है मूल जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा बाकी थर्टी एट पेज का ये एक पीडीएफ है जो सी ने रिलीज़ किया है ये पीडीएफ डी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू अवेलेबल करा दूंगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ पाएंगे अभी मूल मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं पहली बात तो यह है कि ये मेल इंडियंस के लिए है केवल वही पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसमें जिनको इसमें रुचि है पे लेवल थ्री होगा आपका और इसमें जो पद नाम है वो कांस्टेबल फायरमैन का है इक्कीस हज़ार सात सौ से उनहत्तर हज़ार एक सौ रुपये की बेसिक का पे लेवल थ्री आपको इस पर मिलेगा और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो पहले फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट जिसे पी कहा गया है फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे पी कहा गया है फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जिसे डी कहा गया है और फिर रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर ओ एम आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सी कहा गया है ये स्टेप होंगे और अंत में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो ये सारे स्टेप्स पार करने के बाद आप सी आई एस एफ में कांस्टेबल बन पाएंगे तो आगे मैं बता दूं आपको कि अगर आप आवेदन करना चाहें तो उसके लिए ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना होगा ये सारे स्टेप्स मैंने जो आपको बताए हैं उस वो लिखे हुए हैं फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटर्न एग्जामिनेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर लास्ट में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ये सारे स्टेप्स होंगे आपके सेलेक्शंस के तो आगे मैं बढ़ता हूँ और इसमें एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे आप दोनों में से जिसमें भी चाहें अपनी परीक्षा दे सकते हैं आ, इसमें जो और मूल बातें हैं जो पदों की संख्या आदि की बातें हैं वो हम समझते हैं आगे ये वैकेंसीज़ जो मैं बोल रहा था वैकेंसीज़ का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस टेबल में स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज बताई गई है कि इस एरिया में कितने कितने पद किस किस कैटेगरी में हैं तो आप अपने स्टेट के हिसाब से इसे देख सकते हैं देखना चाहें तो कुल मिलाकर के पदों की जो संख्या पहुंचती है वो लगभग 1100 के आसपास पहुंचती है मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूं एक बार ये टोटल पद है ग्यारह सौ पद पर रिक्तियों हैं रिक्तियाँ हैं जिन पर आपको पोस्टिंग होनी है आप आवेदन करते हैं तो 1130 पद आपके सामने हैं जिन पर आप एक पद अपने लिए हासिल कर सकते हैं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग, अलग पदों की संख्या निर्धारित की गई है बातें लगभग लगभग मैंने आपको बता दी हैं बात ये भी बता दूं कि इसके लिए आपके पास न्यूनतम कौन सी योग्यता होनी चाहिए द कैंडिडेट मस्ट पास ट्वेल्थ क्लास एंड आर इक्ट क्वालिफिकेशन इन अंडर एनी रिकोगगनाइज बोर्ड आर यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट इसमें साइंस सब्जेक्ट लिखा गया है तो इस बात को ध्यान रखें कि जिन्होंने विज्ञान विषय लेकर के बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं विज्ञान में यहाँ पर इन्होंने उल्लेख गणित शब्द का नहीं किया है तो मेरे ख्याल से पी और पी दोनों एप्लीकेबल होंगे ऐसा मुझे लगता है लेकिन आप डिटेल में पढ़ के आगे समझ पाएंगे कि इसके लिए कोई क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 की एज लिमिट बताई गई है और जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होते हैं वो रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे आपको वो रिलैक्सेशन मिल जाएंगे तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ आपको मैंने बता दी अब ये बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा हाउ टू अप्लाई का एक पॉइंट नंबर नाइन है इसे आप पूरा जरूर स्टडी करना है आवेदन करने से पहले एनएक्र सेवन में किस तरह से फोटोग्राफ को अपलोड करना है किस तरह से सिग्नेचर को अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे जाना है ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करेंगे लास्ट डेट तो मैंने बता ही दी है आपको ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको बताया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक बार थोड़ा सा और समझ लें सबसे पहले फिजिकल इफ़िशंसी टेस्ट होगा जिसे पी कहा गया है ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर दैमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम हुज एप्लीकेशंस आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड एंड कॉल टू अपीयर इन पी ई टी पी ये सारा जो कुछ है वो पहला स्टेप होगा जब आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आएंगे जिसको पीईटी कहा गया है इसमें आपको पाँच किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी चौबीस मिनट के भीतर अगर आप चौबीस मिनट के भीतर ये पाँच मिनट की रनिंग कर लेते हैं पाँच किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी को पार करेंगे फिर उसके बाद पीएसटी होगा पीएसटी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया जिसको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहा गया है इसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट एटी टू 85 होना चाहिए कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो आपको नीचे पढ़ने मिल जाएंगे कहाँ कहाँ किन किन लोगों को कितने कितने सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है ये सारा कुछ जो हो जाएगा तब उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे तो फिर डीवी का प्रोसेस आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिससे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे प्रॉपरली और उनको चेक करने के बाद ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको रिटर्न टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जिसे सी कहा गया कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा इस टेस्ट में चार पार्ट होंगे पहला पार्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा इसमें पच्चीस नंबर के क्वेश्चन होंगे टोटल और एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा तो कुल मिलाकर के आपको 25 अंक इसमें आ, मिल सकते हैं दूसरा जो पार्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का होगा ये भी पच्चीस क्वेश्चन होंगे पच्चीस नंबर के तीसरा पार्ट जिसे पार्ट सी कहा गया इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा पच्चीस नंबर का पच्चीस क्वेश्चन होगा यहाँ पे भी और चौथा पार्ट हिंदी अब्लिक इंग्लिश होगा जो कि पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस नंबर के होंगे ये सारे क्वेश्चन एम टाइप के होंगे और द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज अंडर ओ एम आर आब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देर शिल भी देर शेल बी नो निगेटिव मार्किंग तो जब आप इसमें आएंगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप चांस ले सकते हैं अपने एंसर्स को ले करके तो 100 नंबर का कुल मिलाकर के ये पेपर हो गया चार सेक्शन मिला के इसके लिए 120 मिनट का समय मिल रहा है यानी कि दो घंटे में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा पच्चीस 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 करके चार ट्वेंटी फाइव इंटू कर दें तो ये पूरा हो जाता है सौ मार्क के सौ क्वेश्चन तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह से क्या क्या बातें इसमें लगेंगी आपको और किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा तो आपको अप्लाई करने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए आपको डाउनलोड कर लेना है इस नोटिफिकेशन को इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और उसके बाद आप इसमें ज़रूर आवेदन करें हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं नई जानकारी और इंफॉर्मेश्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में करिए इंतज़ार नमस्कार